तो गाइस यहाँ पे मिर्च का अचार देखो फ्रेश बन रहा है, 100 रुपीज की बोतल है। ये फ्रेश अचार है भैया? हाँ ये देखो बिल्कुल फ्रेश बोतलें पैक हो रही है यहाँ पे। गाइस ये जो हमने लिए ना, सच बता रही हूँ इतना गर्म है, बिल्कुल भी हवा नहीं घुस रही और यहाँ से ना मेरी हीट निकल रही है। और मैंने ना जैसे ही बताऊँ तो दीदी की देख हम देख लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं इस टाइम खड़ी हूँ तिलक नगर की मार्केट में और साथ में मेरे, और इतनी लेट क्यों खड़े हुए हैं ये दीदी की वजह से, क्योंकि दीदी थोड़ी बिजी चल रही है, टेंशन में है थोड़ी सी, इनको दिमागी प्रॉब्लम चल रही है मजाक से हट के। तो हम थोड़ा लेट निकले हैं शाम के टाइम, क्योंकि थोड़ा घर में काम भी था दीदी को और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। आज बिल्कुल मन नहीं था बाहर निकलने का और 2 दिन से घर में ही फीवर चढ़ जाता है शाम को होते के साथ ही। तो अभी पास में दीदी बोल रही चल पास में ही चल लेते हैं कहीं पे, थोड़ा सा घूम लेंगे मार्केट वगैरह में और थोड़ा तबीयत भी ठीक हो जाए। पर इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंडा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट अभी हाँ तिलक नगर में खड़े हुए हैं तो चलो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, थोड़ा घूम ही लेते हैं। बाहर निकलते फिलहाल तो मेरा जुकाम हो गया, पर घर में बैठे बैठे भी ना अजीब सा लग रहा था तो चलो। और आज मैं कैप लगा के भी नहीं आई, जब बाहर निकली तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा। तो गाइस ठंड तो हो ही रही है बट ये देख रहे हो हवा की वजह से ज़्यादा हो रही है, आप झंडा देख सकते हो लहराता हुआ। और ये दीदी ने मुझे बोला दिखा दे हवा कितनी तेज़ चल रही है, जूम क्या दिख रहा है। तो हम लोग अभी कुछ लेने नहीं आए, बस ऐसे मार्केट में थोड़ा टहलने आए हैं। घर में बैठे बैठे भी इंसान अपने आपको ना बीमार फील कर लग जाता है, वैसे तो हूँ मैं बीमार बट मेरे गले में ना मुझे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम लग रही है और 2 दिन हो गए मैं दवाइयाँ ले जा रही हूँ। और अब थोड़ा बाहर निकले हैं, खाने पीने का कुछ भी मन नहीं है, बाकी निकले तो देखती हूँ, कह नहीं सकती मैं। खा रही है? नहीं। 200? तो गाइस हवा इतनी तेज चल रही है कि मेरे तो हाथ ना पॉकेट में से निकल नहीं रहे। और यहाँ पे देखो 100-100 रुपए की सेल लगी हुई है, 200 रुपए की सेल लगी हुई है और ये मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तिलक नगर के मार्केट में आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे ब्लॉग बन चुके हैं मेरे, 2 दिन तो बन ही गए होंगे ज़्यादा नहीं तो। पर ये भी और मार्केटों की तरह ही है, यहाँ पे भी आपको और दिन आओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा देखने को। हाँ ये ले पहन ले। मोटा है, हल्का है, हाँ लग तो रहा है चंगा। अरे ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा सेट है, कितना रंग रंग है। नहीं भाई वो तो बहुत बिजी है, बताएं नहीं कितना पल्टी है। पर गरम नहीं है, मैं इधर हूँ। थाउजेंड प्राइस में भी है। हंड्रेड रुपीस ऐसे ढकोगी? तो एक ग्रे कलर का दीदी ने ले लिया है, मैं भी सोच रही ले लूं मैं भी एक, रखे ही रहने। आज लगी दीदी को ठंड, असली तो तुम्हारे को लगी यार ठंड, वरना जो टी शर्ट में घूमती रहती है। गर्म है, है? ये मुझे लालच दे रही है, ले लो पहने की तो लेना। तो ये आ गई ठंड। देखो मेरे को देखे देखे आखिर ले लिया, अब देखू कितना पहनेगी, नहीं पहनेगी तो मैं ही ले लूंगी। दीदी पे अच्छा लग रहा है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा नहीं नहीं गरम भी लग रहा है भाई, कान में हवा नहीं लग रही बिल्कुल भी। हाँ अब पहन के दिखाओ। वो तुझे ये होता है कि भाई मैं अम्मा लगूंगी,
अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसे इतना ही तो मेरा गिरे जा रहा है। हाँ गर्म नहीं है ना। 450 की है। तो गए तुमने टिक्की ले ली है, मन करा था दीदी का ये गरम गरम के चक्कर में टिक्की पेल दी इन्होंने और दोनों एक जैसे बन गए। बुरी लग रही तुम तो फिर भी अच्छी लग रही हो। मेरे को तो अच्छी लग रही है। वो बना दी उन्होंने अम्मा। नहीं सही लग रही सर। दीदी को कलर ये पसंद आ रहा था बट उन्होंने ये ब्लू ब्लू लग रहा है बट है डार्क ग्रे। अच्छा बुरा लग रहा है आंटी जी को, ठंड से तो बच रहे हैं। हाँ कैप ने मेरे बाल भी को वैसे भी मैंने आज तेल लगाया था ना, ऑयल लगाया था सर में, तो बहुत ज़्यादा बाल चिपक रहे थे मेरे। और बट ये ठीक है। हाँ पर गर्मी बहुत मतलब कि ठीक है, हवा ही लग रही है, बहुत तेज हवा चल रही है मार्केट के अंदर। मार्केट में क्या, घर से जब बाहर निकली ना मुझे एहसास था कि बाहर हवा चल रही होगी, वरना टोपा पहन के आती, कैप पहन के आती अपनी, दो ऑलरेडी मंगा के रखी हुई है मैंने। और घर में बैठ के नहीं पता लगता इतना बाहर निकलता है। ओहो ये देखो गरम गरम ब्रेड पकौड़ा खाती हुई एक औरत, पाले तो पड़े मुझे ठंड लगी से मतलब है ठंड। हाँ दीदी वैसे पहनती नहीं है, मैं कितने बोल रही थी तो मैं ठंड लग रही, पर आज इनको देखा ना तो मुझे थोड़ी सी वो हुआ कि टॉप ये कैप वगैरह पहन के पानी में काम कर रही ना। हाँ ये सुबह से काम, आज वैसे भी काम कर रही थी। दूसरी बात है कि थोड़ी सी परेशानी भी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि इवान अभी भी हॉस्पिटल में है, एडमिट है, 4 दिन हो गए उसको। वो प्राइवेट में करवाया है क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, उसको ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी उसको एडमिट करवा रखा है। हम लगातार बना भी नहीं पा रहे व्लॉग, लगातार भी नहीं बना रहे। और दूसरी बात है खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, और ठंड भी ज़्यादा है, और अपना भी देखना होता है, घर का भी देखना होता है, और मानसिक संतुलन ठीक होगा तभी बना पाएंगे। हाँ हम अंदर से खुश होंगे तभी तो बना पाएंगे। थोड़ा सा परेशानी चल रही है, कुछ ना कुछ लगा हुआ ही है, तो इसलिए मन थोड़ा मरा मरा सा हो रहा था। आज भी हम लोग बहुत लेट निकले हैं कि व्लॉग को डिले नहीं कर सकते ज़्यादा, और वॉच टाइम भी कम्प्लीट करना है और बहुत कुछ करना है। तो चलो यहाँ का दिखाती है, सारा खाने पीने का है यहाँ पे, ड्राई फ्रूट का भी है, फ्रूट का भी है। तो गाइस यहाँ पे मिर्च का चार देखो फ्रेश बन रहा है, 100 रुपीज़ की बोतल है। ये फ्रेश है चार है भैया? हाँ ये देखो बिल्कुल फ्रेश बोतलें पैक हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सारी अचार वगैरह, और ये देखो सिरके वाली प्याज भी है, और लहसुन का भी है, करेले का भी अचार है, सारे अचार है, गाजर वगैरह सब कुछ। पकड़ो दीदी जरा मैं देखूँ, जरा एक बोतल देखती हूँ। हाँ भैया, नहीं धूप लगानी है ना भैया, तैयार है। अच्छा रेड है ये? इसका चार्ज। अच्छा मैं लगा मसाला वसाला मिला के रख रहे हो और उसको धूप लगानी पड़ी। नहीं 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 आपके मुंह में? हाँ क्योंकि मुझे सिरके वाली प्याज बहुत पसंद है ना, वो जो प्याज मैं हमेशा रेस्टोरेंट में जाती हूँ खाना खाने प्याज की वजह से ही जाती हूँ, सच्ची में। हाँ प्याज की वजह से जाती हूँ खाना खाने। तो गाइस ये है यहाँ पे 7 मंजिला मंदिर है, और ये आप देख पा रहे हो ऊपर देखो ये माता दरबार लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है आपका राधा कृष्ण दरबार, गौरी शंकर दरबार, पंचमुखी गणेश दरबार। तो ये 7 मंजिला मंदिर है, बहुत अच्छा है। पहले तो मेरे को गुरुद्वारा समझती थी पर ये मंदिर है आप पता लगा है। और इस साइड में ना सारी आपको फ्रूटों की मार्केट नजर आएगी, फ्रूट वगैरह पैकिंग वगैरह, और ये कांजी वगैरह की शॉप है यहाँ पे, देखो कांजी है। दोबारा बोलो कांजी। अचार मुरब्बे सब कुछ, सेब का मुरब्बा भी है। गाइज ये जो हमने लिए ना, सच बता रही हूँ इतना गर्म है, बिल्कुल भी हवा नहीं घुस रही, और यहाँ से ना मेरी हीट निकल रही है। और मैंने ना जैसे ही बताऊँ तो दीदी की देख लिया है, मेरे को घर ले जाके पड़े रहेंगे। मैं ऑलरेडी आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं ऐसी बोल रही हूँ, मैं बहुत कुछ पड़ा होता पर मैं पहनती नहीं हूँ। और कैप भी मंगाई है वो भी नहीं पहन रही है, एक ही बार पहन के आई बस, नई नई चीज़ आती है तो शौक में पहन लेती हूँ, अदरवाइज पड़ी रहती है। तो दीदी ने यही बोला पहनेगी तो लियो, तो नहीं पहनूंगी तो दीदी को दे दूंगी। और ये देखो इनकी तो सुंदरता क्या ही कहना, ये देखो। और अभी ना दीदी कह रही है कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं, यहाँ पे हमने ना टिक्की खाई है, पर मुझे तो ठीक थी गर्म मेरे गले में। हाँ इस तरफ जो मार्केट है, और दूसरी तरफ जाएंगे अपोजिट साइड उधर है फर्नीचर की मार्केट है,
तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा घूम लेते हैं फिर हम। नहीं, खाने का बहुत कुछ है, खाने के लिए है, नॉन वेज वगैरह, वेज बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। हाँ, नॉन वेज की रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी सारे हैं। बोलने में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे हाथ दुख जाता है, ये फ़ोन पकड़े पकड़े ना हाथ दुख जाता है। नॉन वेजिटेरियन शॉप भी है, काफ़ी चीज़ खाने पीने की, और फर्नीचर मार्केट भी है, ये इनको बता देती। फर्नीचर मार्केट है वो हर तो पड़ेगा खाने का। अच्छा, तो हरिनगर पड़ जाता है वो, तो थोड़ा दीदी कह रही है वहाँ भी चल लेते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ की मार्केट दिखा देते हैं। हमेशा यहीं की दिखाते रहते हैं ना। तिलक नगर यार हमारे घर के बहुत पास है, इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। बाइक वाला मारता तो क्या होता, मार देते तो यहीं पे लुढ़क जाते हैं, और क्या होता है। नगर के साइड आ गए हैं, जेल रोड की तरफ रास्ता जाता है, तो यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी आपको, जैसे कि आपको पीछे बर्गर किंग दिख जाएगा। बेटा बोरा गाइस, दीदी और मैं आए वॉशरूम के लिए मैकडोनल्ड में। अभी दीदी गई है वॉशरूम, और ये आपको तिलक नगर से अपोजिट साइड आओगे ना, हरिनगर की तरफ, वहाँ पे मिल जाएगा मैकडोनल्ड। लाइन फ़ोन और सारे ये मोबाइल फ़ोन रिपेयर वगैरह की शॉप है। ये पूरी लाइन नॉन वेज की है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, तो आप आएँ तो खाएँ, बहुत क्राउड रहता है यहाँ पे। ये साउथ इंडियन है, डोसा इडली वगैरह काफ़ी टेस्टी होता है। हाँ, खाया है मैंने। फूलों की दुकान, ओह तो ये फिश वाले की अरे बहुत अच्छी टेस्टी होती है हरी फिश। क्या दोबारा बोल, दीदी का गाइस मॉइबल हो गया मछली देख के स्मेल से। कौन भी खाने वाला आओ तो लेकर आई है। ये तिलक नगर उस साइड पर जाते हैं, ये हरिनगर है, जेल रोड की तरफ रास्ता जा रहा है, और यहाँ पे सारे खाने पीने के, और उससे आगे चलोगे तो फर्नीचर मार्केट है, वो फिर कभी किसी दिन और भाग गई किसी दिन और दिखाऊंगी। फर्नीचर मार्केट है आगे की साइड, और थोड़ा सा आगे दिखाती हूँ सूप वगैरह की शॉप वगैरह, सारे नॉनवेज मिलते हैं यहाँ पे, और सारा आपका काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है। मोबाइल की एक्चुअली जिनकी शॉप सामने की साइड आपको मिल जाएगी, ये सारी मोबाइल की शॉपें हैं, और आपकी स्वीट शॉप है, मतलब कि बेकरी वगैरह भी है एक दो यहाँ पे। चल, भूख ही रहती है हमेशा। जब मैं घर से आई तो मुझे भूख बिल्कुल लग रही थी, पर अब लग रही है मार्केट में टहलने से भूख लगती है मुझे। गर्म नहीं है ना, मतलब सर्दी रह गई एक महीने की, थोड़ी जा रही है वो ही जनवरी में। मेरे को नहीं बनाना था, वो बनाना है। ये क्या बनाना है, पिज्जा की रेडी हर जगह खड़ी होती है, पिज्जा है यार। मुझे खाने पीने के लालच से लेकर आई साइड में, खिला दो यार। चलो फिर गाइस, पूछना था थोड़ा सा कुछ, देखते हैं नहीं मिलता तो घर जाएंगे दोनों के दोनों। इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है कि मैं आगे जा ही नहीं रही, आप ही देख लो। यहाँ पे खरोड़ों के सूप, आपको चिकन सूप, चिकन स्पेशल सूप और मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। हम पहले दीदी बता रही है कि मैं पहले आ चुकी हूँ, यहाँ पे काफी अच्छा मिलता है, टेस्टी होता है। तो ये शॉप का नाम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सनी चिकन एंड ये क्या लिखा हुआ है, चिकन शॉप है, सूप है। तो मैं आगे जा ही नहीं पा रही, इतनी भीड़ हो रही है, देख लो आप। बता, सब खा जाएगी, इधर लालच उधर लालच, सब जगह लालच है इसको खाने का, कुछ लेना लवाना होता है तुम जैसी औरतों ने। बस आपके साथ क्या हुआ, क्या हुआ आपके साथ, भीड़ है यार, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, घर चलो। है नहीं खा रहे आप, मुंह में पानी आ रहा होगा, नहीं दिखा, लाट टपक रही है, नहीं नहीं यार। तो गाइस हम लोग आ गए उधर से मार्केट से बाहर, अब जा रहे हैं घर की तरफ, और बहुत भीड़ थी वहाँ पे। मैंने तो मैं घर जा खाऊंगी जो भी खाना है, बेचारी रह गई, सूप नहीं पी पाई मैं लाइन में, नहीं सूप के लिए गई थी स्पेशली, सूप पी लेंगे, बट मैं दीदी को भेजा आगे, और कोई नहीं, चलो घर जा रहे हैं हम लोग, और थोड़ा सा घूम लिया, थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो गया, दीदी का भी माइंड फ्रेश हो गया, और काफ़ी टेंशन चल रही है ज़िंदगी में, और काफ़ी लोगों की चलती है पर कुछ बता पाते कुछ नहीं बता पाते। तो चलो जा रहे हैं घर की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय।
ऐसे कुछ नहीं बोल दिया वो ठीक है कह रही है बहुत जल्दी बोल दिया। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय।